व्लॉग कर रहे हैं, व्लॉग रिकॉर्डिंग कर ली। हाँ बता दिया ब्रो। म्यूजिक हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इट्स अनदर ब्यूटीफुल डे और इस व्लॉग में मैं तो अभी जा रहा हूँ अपने दोस्त मंजीत भाई के पास और वो जा रहे हैं अपनी RR 310 सर्विस पे डालने। तो उन्होंने बोला एक काम करो यार, आ जाओ, राइड वाइड हो लेगी। और मैंने एडिटिंग करने टाइम व्लॉग में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, आप लोग बताना अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्वालिटी में कोई चेंज दिख रहा है कि नहीं, या फिर ओवरऑल एडिटिंग में आपको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लग रही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ नीचे कैसा लग रहा है आप सबको। एक काम करते हैं, ट्रैफिक से निकलते हैं आगे और आगे चल के मिलते हैं यार। खाली रोड मिल गई, इतनी भगा तो दी मैंने, पर आई एम प्रिटी श्योर मेरा काफ़ी तेल उड़ गया होगा। बट यार लुक एट दिस थिंग मैन, यार टाइमलेस डिज़ाइन है यार इस गाड़ी का। ओ माय गॉड, अरे यार फ़ोन आ रहा है, मेरे को लगता है वो पहुंच गया पॉलिटेक्निक पर। आगे चलते हैं, उनसे मिलते हैं यार। अरे भाई 57 सेकेंड, यहाँ तो लंबा रुकना पड़ेगा। 6 5 4 3 2 1 और ये हम चले। बता दो ऐसे रहा हूँ जैसे होते हुए निकल जाएंगे। वाह वाह बेटा वाह, ऐसे लोग चलाते हैं, मतलब उधर की साइड से चचा इधर मोड़े ले रहे हैं, बताओ। भैया ढूंढते हैं मेन आदमी को, ब्लैक कलर की RR 310 को ढूंढते हैं, गई कहाँ। What's up homie? क्या नहीं लग रही है माँ चोट? अगर नहीं है ना, अरे तो क्या अच्छा नंबर छुपा रहेगा। ठीक है, व्लॉग कर रहे हैं, व्लॉग रिकॉर्डिंग कर ली। हाँ देख लो भाई, बारिश में होता है वो ठुकी पिटी जो हो रखी है वो सही हो जाएगी। अभी आ गया मैं RR 310 पे और अगर आपको दिख रहा होगा ये इसके इंडिकेटर, यहाँ डैमेज है, यहाँ डैमेज है, क्लच टूटा हुआ है, ब्रेक लीवर टूटा हुआ है। तो अभी यार हम इसको जा रहे हैं कि RR TVS एक सर्विस सेंटर है लखनऊ में। यार बाइक तो सुंदर लगती है मेरी, तो कि RR TVS करके लखनऊ में सर्विस सेंटर है जो कि अपाचे RR 310 आपको जितनी भी है ना, और अगर आप लखनऊ से देख रहे हो तो उसको वहीं पर ही सर्विस करवाओ, ज़्यादा सही रहेगा। बिकॉज बाकी सर्विस सेंटर से फीडबैक इतना अच्छा आया नहीं है, क्योंकि प्रतीक भैया ने भी जिनके पास रेड कलर की RR 310 उनके पास BS4 और भी राइडर्स हैं जितने, उनको कहीं से अच्छा फीडबैक मिला नहीं, मतलब सर्विस की क्वालिटी सही नहीं मिली, कोई टाइम पे काम नहीं कर रहा है, किसी ने कुछ नहीं बनाया सही से। तो वही सब चीज़ें हैं और इसीलिए सब RR TVS में जाते हैं यार, क्योंकि वो एज ऑफ नाउ तो सही काम कर रहे हैं जो कि मुझे सुनने में आ रहा है। बाकी इसको जो है जाके डाल के देख के आएंगे, फिर देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी निकलती है। उनकी काम करने की तारीफ़ें तो बहुत सुनी है, लेकिन आज जाके सही में देख लूँगा मैं कि एग्जैक्टली है क्या वहाँ पे सीन। सो इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस सम एड्रेनलिन रश। रोड खाली है तो थोड़ा सा यू नो भगा के देखते हैं, बट
लगाने से पहले आप सबको एक चीज़ बता दूँ, प्लीज़ यार सेफ रहो। अगर गाड़ी को अच्छे से जानते हो, मतलब गाड़ी पे अच्छा सा हाथ सेट है, कंट्रोल है, तभी करो, और उस रोड पे करो जिसको बहुत अच्छे से जानते हो। अब ये 20-25 किलोमीटर का बाईपास वाला हाईवे है लखनऊ का, तो इस रोड को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मतलब कहाँ कट है, कितना मोड़ कहाँ पे आ रहा है, ट्रैफिक कहाँ ज़्यादा हो सकता है, तो वो चीज़ को कंसिडर करते हुए ही गाड़ी भगाओ। जैसे मुझे पता था कि यहाँ पे ये देखो कट अभी आएगा, तो यहाँ पे मेरे को धीरे करनी है। और ये आया एक कॉर्नर, कॉर्नर तो क्या है, स्वीपर बोलते हैं इसको, जरा सा जो कर्व होता है ना रोड पे। और यार भी मेरे में देखा मैंने मंजीत भाई से डिस्टेंस ना थोड़ा। तो अगर आप लोग गाड़ी भगाते हो ना ऐसे, तो अपने मिरर प्लीज़ देख कर रहा करो, क्योंकि मिरर में देखना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या करता हूँ, हर 2-3 सेकंड में ज़रा सा मुझे कोई मूव करना होता है ना ऐसे, इधर काटना है, तो मैं 1 सेकंड का जो है वो मिरर में देता हूँ नज़र। तो आई होप दैट वॉज फन फॉर यू गाइज। वैसे ये चीज़ करना बहुत रिस्की है, एंड डोंट थिंक मैं व्लॉग के लिए कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। अगर मैं कैमरे पर नहीं होता तो मैं समटाइम्स थोड़ा सा इससे और अग्रेसिव चला देता हूँ, बट ऐसे आप लोगों को दिखाना मुझे नहीं लगता सेफ है, बिकॉज काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं इस चीज़ से, खासकर यंग बच्चा अगर कोई तो देख। अरे तुम बेटा हॉर्न बजा दो पहले। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अगर खासकर कोई यंग बच्चा देख रहा हो ना 15-16 साल का, तो वो इस चीज़ से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो सकता है। एंड देयर गोज माय भाई। अब अगर ये आगे निकल गई ना भाई साहब, इसको ना पकड़ पाऊंगा मैं। सो आई थिंक वी आर समवेयर नियर द सर्विस सेंटर, क्यारा टीवीएस के पास है। यार ये देखो, जब मैं क्यूटी फॉल से आया था तो इसी रोड से आया था, यहीं कहीं आसपास एक तो सर्विस सेंटर था टीवीएस का, मुझे याद है। लोग कहते हैं इसी रोड पे, इस रोड पे कहाँ है मेरे को ये नहीं पता। सर्विस सेंटर कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। ये रहा, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, कियारा टीवीएस। यार ये काफ़ी बड़ा सर्विस सेंटर है, अच्छा होंडा का है ये यार, फिर भी यार काफ़ी बड़ा है। लेके जाए अंदर, चढ़ जा, चढ़ गई। किसमें कंफर्टेबल और हल्की है। हाँ विंड ब्लास्ट बहुत है। हाँ तो इसका एस्टिमेट बनवा लिया, और एक रेड आर आर 310 का वो क्या हुआ, इसको निकलवा दीजिए, कौन है वो निकल दिया। तो तब तक हमारी बाइक में पार्ट्स वगैरह चेंज होंगे, उसके साइड के पैनल्स चेंज होंगे, जो आपको मैंने दिखाया था व्लॉग के स्टार्टिंग में कि ब्रेक लीवर्स वगैरह टूटे हुए हैं, इंडिकेटर टूटा हुआ है, तो वो चेंज होगा, और बेसिक सर्विस तो होगी ही होगी। सो गाइस, इसके बाद हमने बाइक को यहाँ पे सर्विस सेंटर पे छोड़ दिया है इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए। तो बाइक यहाँ पे 3-4 दिन तक सर्विस सेंटर पे रहेगी, जब इंश्योरेंस अप्रूव होगा उसके बाद क्लेम मिलेगा, फिर हम बाइक को यहाँ से लेके जाएंगे। सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना यार चैनल को, अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, एंड जो भी पार्ट अच्छा लगा हो वीडियो में यार उसको कमेंट करना। सो इट्स मी सेफ मोटो व्लॉग्स साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस, टाटा बाय बाय।